इसमें से यूपी का कौन सा चैनल है? यूपी बिहार का कोई है? हेलो, पक्का? मुझे पवन का, अभी वो चल रहा है ना काफी हॉट मैटर। हाँ आ जा। ओके, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आप दोनों को, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आपके गाने को, छप्पन छुरी। या छप्पन छुरी की बात करें तो कोई एक ही नाम आता है, वो है राखी मैम। Oh, I love my singer, cum producer, cum sister, and she is the best. और इन्होंने जो गाना गाया छप्पन छुरी जो है, amazing song. और I'm very lucky कि मैं इनके song पर ये dance किया, और दिल से dance किया। ऐसा नहीं, मुझे जो भी अच्छा गाना मिलता है ना, मैं dance करती हूँ, लेकिन जब छप्पन छुरी song मिला तो मैंने दिल से dance किया। एक के एक lyrics, एक जो इनका music और इनकी जो आवाज़, it's mind blowing। मुझे बहुत मज़ा आया, I swear बहुत मज़ा आया। काफ़ी time के बाद एक अच्छा गाना मैंने किया। मुझे लोग कहते कि राखी जैसे परदेसिया में मैं दिखती थी ना, तो इसमें वैसे ही लग रही हूँ, तो लोगों को मैं एक अलग लुक लगा मेरा, उससे भी ज़्यादा हॉट। ओह वाओ, थैंक यू। ओह माय गॉड, मुझे नहीं आना था, राखी जी ने मुझे पकड़ पकड़ कर ले आई, नहीं तुमको करना पड़ेगा, तो इनके इनसे इतना इंस्पायर्ड हुई, मैंने भी थोड़ा सा ठुमका लगा। हाँ, मैंने कहा कि मेरा डांस है तो, बट तुम सिंगर हो, आपका आप इतने पैसे लगा रहे हो, आपका भी रहना ज़रूरी है, तो फिर मैंने भी इनके थोड़े शॉर्ट्स इनके डाल दिए, एंड शी इज़ डन अ वंडरफुल जॉब, अमेजिंग, थैंक यू। ऐसा कुछ नहीं, बॉलीवुड में एक से एक डांसर है, जैसे कटरीना है, करीना है, मलाइका है, और बहुत सारे सोनाक्षी हैं, कितने अच्छे अच्छे डांसर्स हैं। एक्चुअली हर लड़की, बॉलीवुड की लड़की बहुत अच्छा डांस करती है। अभी तो नजबले में भी अनीता जो नागिन है, उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया हुआ है, और आई फील के हर लड़की का डांस, इंसान तो बॉलीवुड में हर कोई डांस करता है, सबका अपना स्टाइल है। मेरे तो डीएनए में डांस है, मेरे तो दिमाग में डांस है, मेरे तो आँखों में डांस है, मेरे बॉडी के हर हर पुर्जे में डांस है। yes. और मैं डांस के लिए पैदा हुई हूँ, डांस के लिए मैंने बहुत ही सहा है मेरी ज़िंदगी में, मेरे पेरेंट्स से बहुत मार भी खाई है। हाँ, क्योंकि हमारे ख़ानदान में कोई डांस नहीं करता था, हमारे डैड और सब लोग तो पुलिस वाले हैं ना, तो डांस तो मेरा पैशन है, और मैं इच्छा रखती हूँ कि इन जिंदगी में आगे मैं अपना डांस एकेडमी लॉन्च करूँ इन फ्यूचर। मुझे दीपिका का डांस बहुत अच्छा लगा, पद्मावती में। यस यस, बहुत अच्छा डांस। मेरी शादी में, मेरी वैसी शादी नहीं हो पाई, मुझे बहुत दुख है, बट थैंक गॉड मेरी शादी हो गई। जो 5 दिन की जो शादी होती है, हल्दी लगती है वो नहीं लगी, मेहंदी तो चलो मैंने लगा ली थी, संगीत होता है 5 दिन का होता है ना, वो 5 दिन का सब फ्रेंड्स आते हैं, सब लोग रहते हैं, वो उस टाइप का मेरा नहीं हो पाया, बट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरी शादी परमेश्वर के सामने हुई है, और थोड़ा छुपा के हुई है। मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स, हम लोग ने छोटा सा गेट टुगेदर करके शादी करी थी। शादी तो yes, शादी होती है, बिल्कुल, बट मेरे हस्बैंड ने कहा है कि वो फिर से मुझसे शादी करेंगे। ओह सो स्वीट, मतलब पूरी रस्मों के साथ। हाँ, हमारे जो छप्पन छुरी जो गाने हैं उसमें म्यूजिक डायरेक्टर इज अमेजिंग, और जो लिरिक्स जो दीपक जी हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा लिरिक्स दिखा, जावेद हुसैन जी, जावेद जी, और इन्होंने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया, बहुत सारे रिदम बजाए, यशराज में इसका गाने का काम हुआ, एक भी सुर नहीं छोड़ा। और विजय जी ने बहुत अच्छा इस गाने को मिक्सिंग, रिकॉर्डिंग, सब कुछ मास्टरिंग लंदन में हुए इस गाने का। आप यकीन मानिए कि मैं लिटरली हॉस्पिटलाइज थी, मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था उठने के लिए, और मैंने बिल्कुल भी, मतलब ऐसा कि मैंने मंदाकिनी जी को मना कर दिया था कि भाई मैं ये गाना नहीं कर सकती क्योंकि मेरी बैक में बहुत प्रॉब्लम है, बट मंदाकिनी जी ने बोला कि एक बार गाना सुन लो। ओ माय गॉड, मैंने हॉस्पिटल में ये गाना सुना, और मैं इतना ज़ोर से झम मार के, मतलब मेरी कमर वमर सब ठीक हो गई, ना गोली ना इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ी मुझे,
और इस गाने को फिर मैंने मतलब इतना मेरे डीएनए में चला गया, मेरे मेरे क्या काम अंदर के एक एक अंतर आत्मा में गाना चला गया। फिर मैंने मंदाकिनी जी को कहा कि चलो करते हैं, तो उसके 15 दिन के बाद मैंने रेस्ट लेकर वेट कम करके फिर मैंने ये सॉन्ग किया। वाओ, तीसरी दफा है जब आपकी शादी की चर्चा है, और पिछली दो बार जब आपने शादी की चर्चा की थी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं था, इसलिए इस बार लोग आपको ट्रोल भी कर रहे हैं कि ये झूठ है, नौटंकी। देखिए, पिछली बार जो शादी की जो थी वो स्पूफ था, क्योंकि सब सेलिब्रिटी शादी कर रहे थे, तो क्या है ना कि वो एक स्पूफ था, वो एक मजाक था, दीपक के साथ किया, और पहले मेरा स्वयंवर रचाया गया, तो स्वयंवर तो एक रियलिटी शो, दीपक रियलिटी शो था स्वयंवर और टेलीविजन पे, और दीपक के साथ तो एक स्पूफ था। लेकिन दोस्तों, मैं सच कहती हूँ, ईश्वर के ईश्वर को साक्षी मान के कब मेरी शादी हो गई है, कोई स्पूफ नहीं है, ये रियल सिंदूर है, मंगलसूत्र है, और आई एम एंगेज। ना तो आप अपने पति का चेहरा दिखा रही है, ना तस्वीर, कुछ ऐसा, मतलब इतना छुपा के क्यों रखा है? देखिए, मेरा पति इतना हैंडसम ड्यूड है, मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, इतना वो मेरे मेरे दिल का टुकड़ा है, कहीं मेरे पति को नज़र ना लग जाए, इसीलिए मैंने पूरी मीडिया से उनको छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि वो एक चांद का टुकड़ा है। और पता नहीं यहाँ पे तो लोगों की ऐसी नज़र लगती है, माई गॉड, जब मैं अपने पति के लिए पूरी जान दे सकती हूँ, मंदाकिनी, मैं उन पे अपनी पूरी जान निछावर करती हूँ। She loves her husband a lot, क्योंकि मैंने इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छा से समझ पाई कि बहुत बहुत प्यार करती है, और छप्पन चोरी गाने के बाद इनकी शादी हुई, सो मतलब हाँ, जब छप्पन चोरी का गाना उन्होंने शूटिंग का वो थोड़ा सा शूटिंग देखा, उन्होंने मुझे डांस करते हुए देखा, और उन्होंने मुझे तुरंत प्रपोज किया, उन्होंने मुझे 10 डेज दिए थे कि यू हैव 10 डेज, आपको फटाफट शादी करनी है, क्योंकि बिकॉज आई डोंट गेट टाइम, वो NRIs हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, तो 10 डेज में आई वॉज कन्फ्यूज, मैं सोची मैं क्या करूँ, मीडिया से चुपके कैसे शादी करूँ। उनका एक ही बात था कि मीडिया नहीं चाहिए, मेरा एक भी फोटो मीडिया में वायरल नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन। तो मैंने कहा ओ भगवान, अब मैं कैसे मीडिया से कैसे छुपूंगी, मीडिया से मतलब चांद सूरज छुप सकता है, राखी सावंत कैसे छुप सकती है, तो मतलब कि चलो, मैंने कहा आप भी बताइए कैसे प्लान। तो उन्होंने प्लान बताया कि मेरे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स एक कमरे में गेट टुगेदर करेंगे, और मैं क्रिश्चियन तरीके से शादी करूंगी, और वो हिंदू तरीके से शादी करेंगे, और कोर्ट मैरिज करेंगे। ऐसे 3 शादियां हमने करी, और उनका एक ही था कि मैं उनका एक भी फ़ोटो बिल्कुल कहीं वायरल ना हो, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उनका प्रोटोकॉल है। देखिए, मैं नहीं चाहती, मैं मीडिया की बेटी हूँ, और मीडिया ने मुझे ज़िंदगी में सपोर्ट किया, मेरी औकात से ज़्यादा मुझे प्यार किया, आई डोंट डिज़र्व दिस, थैंक्स टू मीडिया। बट उन वो बिल्कुल नहीं चाहते मीडिया में आना, क्योंकि उनको कुछ इफेक्ट हो सकता है उनके बिजनेस में, या उनका प्रोटोकॉल है, और वो नहीं आना चाहते, तो मैं खुश हूँ। ऐसे भी वो इतने हैंडसम ड्यूड है कि नज़र लग सकती है। रिश्ता दिल से बनती है, जो राखी जी की बनी है ना। मैंने उन्हें कहा कि एक बार तो आइए, तो उन्होंने कहा 2020 में जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तो वो सामने आएंगे। हाँ, बच्चों के साथ। मतलब अपने पति के साथ ही एक बार फिर से शादी करूंगी मैं। नहीं, एक्चुअली वो नहीं आना चाहते हैं, उनको ऐसा है कि उनको बस यही है कि मीडिया वाले सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सीज करते हैं, बातों का बतंगड़ बनाते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं छींकती भी हूँ तो भी मेरी कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन के साथ शादी करना कितनी बड़ी बात है। तो वो बिल्कुल भी कोई कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं आना चाहते हैं। मेरे ससुराल वाले बहुत ही गाय और बहुत ही सीधे साधे लोग और बहुत ही अच्छे लोग, साधारण लोग हैं, और वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि वो मेरे पति के साथ मैं जाती हूँ तो सब लोग मेरी सेल्फी लेते हैं, तो वो बहुत डरते कि मैं किसी के साथ सेल्फी नहीं ले सकता हूँ। तो मेरे इन लॉज लोग बहुत सीधे साधारण लोग हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत ही सिंपल मैन है। नहीं, मेरे हस्बैंड सिर्फ अकेले बेटे हैं, उनकी 2 सिस्टर, 1 छोटी 1 बड़ी। नहीं नहीं, दीपक कलाल ने बहुत बदतमीजी करी है, और मेरे हस्बैंड ने कल ही उनको सू करने की पूरा उनको धमकी दी, और उनको कहा है कि अगर तुम ऐसे, अब वो राखी नहीं है, अब वो मेरी वाइफ है, अगर तुम फालतू की बातें करोगे तो मैं कोर्ट में जाऊंगा और तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा, और मतलब बहुत ही उनको बहुत ही सुनाया, तब जाके फिर दीपक कलाल ने अपॉलोजी की वीडियो डाली, बिकॉज किसी भी महिला के लिए ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए, बच्चा है, ये है वो है, एक मजाक था मेरे, मैंने दीपक के साथ जो मीडिया में स्पूफ किया था वो शादी से पहले था, तब मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी होने वाली है,
अब मेरी शादी हो चुकी है, तो मैं दीपक से भी हाथ जोड़ के कहूँगी कि कोई भी फालतू की बात मीडिया में ना करे मेरे खिलाफ, क्योंकि अब मेरा ससुराल है, मेरा पति है और आगे मेरे बच्चे भी होंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे इन-लॉज और मेरे हस्बैंड को कहीं से भी तकलीफ हो। तो दीपक फालतू की बातें ना करे, आई रिक्वेस्ट यू। राखी, अब आप खुद भी ख्याल रखेंगे, जैसे पिछले दिन आपका एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें बहुत ट्रांसपेरेंट आपकी गाउन था आपका, है ना, आप बहुत रो रही थी आप इंस्टाग्राम में, आई स्वेयर मैं कहती हूँ, जब मैं गाउन मेरे डिज़ाइनर ने मुझे दिया तो आई स्वेयर मैं कहती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये गाउन इतना ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि जब आप गाउन पहनते हो 25 किलो का इतना वेट था, उस पर डायमंड रिंग लगे हुए थे पूरे, लेकिन जब मीडिया की सारी लाइट मेरे गाउन पर आई तब मुझे पता चला ओ शिट, इसमें तो मेरा पूरा बॉडी दिख रहा है। आप बताओ, मेरी रोजी रोटी की कसम, मेरी माँ की कसम, मैं कभी कल सुबह का सूरज ना देखूं, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इतना ट्रांसपेरेंट ड्रेस होगा, वरना मैं कभी नहीं पहनती। मैं एक ग्लैमरस समझ के पहन के आई, बिकॉज इंटरनेशनल एक्ट्रेसेस वैसे ड्रेसेस पहनती है, तो मैंने भी वैसे पहनना चाहा कि छप्पन छुरी का लॉन्च है तो आई शुड लुक ब्यूटीफुल एंड ग्लैमरस। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी शादी के बाद मैं ऐसा कुछ भी वल्गर पहनूं, या मेरे जिससे मेरे हस्बैंड को, मुझे दुनिया से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी मीडिया से प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती हूँ, उनके लिए अपनी जान दे सकती हूँ, तो मैं मेरे हस्बैंड को और मेरे इन-लॉज को कभी हर्ट नहीं कर सकती, फिर भी मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। और मेरी गलती नहीं थी, वो सारी लाइट जो मीडिया के कैमरे की लाइट मेरे बॉडी पर आई और वो ट्रांसपेरेंसी मेरी कॉस्ट्यूम्स की दिखी। बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस, और जो मैंने सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा, क्योंकि मेरे जो सपने थे कि मैं कभी भी एक आइटम सॉन्ग बनाऊंगी लाइफ में, तो वो राखी सावंत के साथ ही होगी। आई एम लकी। यस, क्योंकि छप्पन छुरी जो एक ऐसा वर्ड है दीपक जी ने ढूंढ के मेरे लिए कहाँ से निकाला कि शीला ये मुन्नी कुछ भी नहीं, छप्पन छुरी एक समथिंग वेरी स्पाइसी नेम और एक अलग सा, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी मकसद है छप्पन छुरी नाम के पीछे। इसमें नारी की सारी शक्तियाँ मैं इस पर इंक्लूड करना चाहती हूँ, 56 नाइप्स के सारे गुण जो है इनमें हैं और एक नारी में जो है, और इन इन इनके अंदर जो है वही चीज़ को मैं दिखाना चाहती हूँ। जैसे जैसे एक छुरी वक्त पे सब्जी काट सकती है, लेकिन वही छुरी जब औरत पे कोई जुल्म हो तो फिर वो कैसे क्या कर सकती है, आप जानते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि छप्पन छुरी पे मूवी भी बन रही है और उसके लिए आप लोग इस गाने को बहुत सपोर्ट कीजिए। आने वाले समय पे बहुत सारे सस्पेंस है, बहुत सारे सरप्राइज है आप सबके लिए। आई लव हर, और इन्होंने थैंक यू कि छप्पन छुरी गाना बनाया और आपकी वजह से मेरी शादी हुई। ओ नहीं नहीं नहीं, शादी ये तो डेस्टिनी होती है, ये हमारी किस्मत है, हमें नहीं पता किस्मत हमको कहाँ से कहाँ लेके जाते, बस मुझे एक बहुत अच्छा गाना काम करना था और आप सबके लिए सबसे बड़ी बात original song, original lyrics, original music and original one and only item girl। और इस गाने को मैंने अच्छा से निभाने की कोशिश की, अगर आप सबको बहुत अच्छा लगा इस गाने को, खूब सारा प्यार लाइक शेयर धूम मचाइए, इस गाने को ऑलरेडी वायरल हो चुके हैं और बहुत सारा इस गाने को हिट 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 सुपर हिट कीजिए। ओके राखी मैम, आप हमेशा कोई भी जो टॉपिक होते हो खुल के बात करती हैं और आप भारत की बेटी भी कहा जाती है, तो आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। जी, जो रिसेंटली पवन सिंह की जो आई थी, हां हां, देखिए मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि कास्टिंग काउच नाम की कोई चीज़ होती है इंडस्ट्री में, यहाँ पे सब अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करते हैं। पवन सिंह को तो मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ, ही इज़ लाइक माई ब्रदर और बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं अगर अक्सरा के बारे में मैं अगर कहना चाहती हूँ कि हाँ, मैंने सुना है कि अक्सरा नाम की बहुत ही अच्छी अभिनेत्री, बहुत अच्छी सिंगर, बहुत अच्छे इंसान है, जो उन्होंने ऐसा इल्ज़ाम लगाया है पवन सिंह पर कि उनके साथ रिलेशनशिप में वो थी और उनके साथ कुछ रेप हुआ या उनके साथ कुछ बदतमीज़ी हुई या मारने की धमकी दी गई। देखिए मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, इसीलिए कि पवन सिंह के साथ मैंने फिल्म बनाई है कट्टा तनल दुपट्टा पर, रवि किशन पवन सिंह, तो 6 महीने मैंने गुजारी वो फिल्म को मैंने बनाया है और एज अ प्रोड्यूसर, तो मैं वहाँ पर रही हूँ। इतने अच्छे इंसान हैं वो पवन सिंह, और अभी भी हाल ही में मैंने उनके साथ एक आइटम सॉन्ग भी किया है। मैं ज़िंदगी में किसी की चमचागिरी नहीं करती हूँ और मुझे किसी कभी मैं लॉबी नहीं बनाती हूँ, मैं कभी किसी हीरो हीरोइन किसी की चमचागिरी नहीं करती, जो सच है वो बताती हूँ। अक्सरा ने ऐसा कहा, अभी अभी कहा, आप 2-3 साल उनके साथ रिलेशनशिप में आप रही और अब आप कह रही है कि आपके साथ गलत हुआ, ये तो गलत है। जब उनकी शादी हुई तब आपको गलत लगा, पहले वो आपको जान से ज़्यादा प्यारे लगते थे, ये बहुत गलत बात है कि अक्सरा को ऐसा नहीं करना चाहिए।
मैं अक्सर आने का वो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, मैं उनको कंधे में उठा के यहाँ लेकर जाती हूँ, वहाँ लेकर जाती हूँ। तो आप स्पॉट बॉय थोड़ी हैं, आप तो गर्लफ्रेंड थी, इसलिए आप हेल्प करती थी। अपने बॉयफ्रेंड की हेल्प करना बुरी बात नहीं है। और पवन सिंह को मैं कहती हूँ वो इसलिए पीते थे कि उनको एक फोबिया है फ्लाइट में, जब आप जाते हो तो फ्लाइट में आप फ्लाई नहीं कर सकते। मेरा भी फोबिया है कि मैं फ्लाई नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लगता है फ्लाई करने से। तो कुछ कुछ लोग हैं जो एक एक दो पैक मार के फ्लाइट में चढ़ते हैं क्योंकि उनको शूटिंग में जाना पड़ता है हर जगह। बट मैं कहती हूँ कि इस मामले में पवन सिंह बहुत इनोसेंट है, बहुत अच्छे इंसान हैं, और जब आप साथ में थे, प्यार करते थे, तो आपको चांद नज़र आता था। तो अब जब प्यार नहीं रहा, उनकी शादी हो गई, तो उसी चांद में आपको दाग नज़र आता है। तो ये गलत बात है। एक औरत की इज्जत होती है, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। अक्सर आप कल जाके तुम्हारी शादी होगी, तो ये सारी बातें हम लोगों को, हिंदुस्तानी औरतों को नहीं होना चाहिए, मीडिया में आके सब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारी शादी होती है। और ये लक्ष्मण रेखा हमें प्यार पार करने का कोई अधिकार नहीं है। राखी, आपको क्या लगता है क्यों कर रही हैं अक्षरा इस तरह की बातें? मुझे नहीं पता। देखिए, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि पवन सिंह की पहले शादी हो गई थी और उनकी वाइफ ने आत्महत्या करी थी, तो वो एक ट्रोमा में थे, इसलिए वो पीने लग गए। वो इंसान कैसे जिएगा बताएं उनके नज़रों के सामने, जब शादी होकर एक हफ्ता भी नहीं हुआ था और उनकी वाइफ ने आत्महत्या करी थी। अभी उनकी दूसरी शादी हुई है, तो दूसरी शादी के लिए कोई जो है वो अक्सरा हमेशा बीच में आ रही है और उनकी वाइफ की रिकॉर्डिंग कर रही है, फ़ोन रिकॉर्ड करती, मीडिया में डाल रही है। ऐसे किसी भी, वो एक टाइम पे आपका बॉयफ्रेंड था, मेरा भी एक टाइम पे बॉयफ्रेंड था, मैंने अपने हस्बैंड को सब बता दिया, लेकिन मैं कभी भी अभिषेक की ज़िंदगी में या उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में कभी नहीं गई, उनका कभी बुरा नहीं चाहा। जो बीत गया पास्ट है, पास्ट है, भूल जाना चाहिए। अक्सरा तुम बहुत टैलेंटेड लड़की हो, अच्छी सिंगर हो, तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं। उनके पापा का इंटरव्यू देखकर मुझे बहुत रोना आया, कितना प्यार करते हैं, आपको बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा, पवन से भी अच्छा, लेकिन किसी पे इल्ज़ाम मत लगाया करो, इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, रानू मंडल के लिए मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि शी इज़ द बेस्ट, थैंक्स टू माई फिल्म इंडस्ट्री। कितनी दयावान है मेरी फिल्म इंडस्ट्री, कितने सलमान खान, हेमंत रेशमिया, कितने अच्छे अच्छे सिंगर सब लोग हैं, जो एक नई सिंगर, एक फीमेल सिंगर जो जस्ट ऐसे नॉर्मली गाया था, तो उसको एकदम स्टार बना दिया। नई नई साड़ियाँ पहनती है और अच्छा खाती है, कितनी अच्छी लगती है, बहुत खुशी होती है कि कोई इंसान एकदम एकदम गरीब है तो उसको हम लोग के बॉलीवुड वाले कितना सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं छप्पन चूड़ी गाने के लॉन्च पे, और सबसे बड़ी बात छप्पन चूड़ी, यस रानू जी को गाना तो सुना ही सुना, और उसके बाद भी मैं हिमेश जी से पहले भी मिल चुकी हूँ उनके स्टूडियो में, और बातचीत भी अगले हिमेश जी के लिए और भी ज़्यादा और रिस्पेक्ट बढ़ गया, क्योंकि ऐसे ही अगर हिमेश जी के जैसे लोग, ऐसे लोगों को अगर निकाल के ला के, मतलब सड़क से ला के यहाँ बैठाएंगे, हाँ, स्टार बनाएंगे, इससे अच्छी बात क्या है। हाँ, नहीं, बहुत बड़ी बात है बॉलीवुड की, रानू जी को सड़क से लाकर ऐसा गवाया, सलमान जी से लेकर सभी बॉलीवुड ने उसको सपोर्ट किया, कितनी अच्छी बात है। हाँ, हम चाहते हैं कि छप्पन छुरी का गाना उनको गवाते हैं बहुत जल्द बुला के, बहुत जल्दी छप्पन छुरी, हाँ, रिमिक्स हम लोग, रानू जी आप वेट कीजिए और हम छप्पन छुरी का गाना आपसे गवाएंगे, आपसे गवाएंगे, और छप्पन छुरी का रिमिक्स के लिए मैं वेट कर रही हूँ, कौन कौन डालेंगे और अपना अपना यूट्यूब चैनल पे सब में डालते रहो, कौन इस गाने पहले रानू जी गाएगी, पहले रानू जी गाएंगे और उसके बाद इसके जो टिकटॉक पे सब लोग डांस कीजिए, हर जगह डांस करके इसका वीडियो भेजिए, और राखी जी विल डिसाइड कि इसमें से पांच लड़का पांच लड़की किसके साथ डेट पे जाना है, ये डेट पे जाएगी, म्यूजिकल डेट, म्यूजिकल डेट, कुछ और डेट मत समझना प्लीज, वरना मेरा पति मेरी डेट कर देगा। और दो मिनट ना, ये इंटरव्यू खत्म नहीं होता है, जो दो लाइन, लेट्स सिंग यस, छप्पन छुरी मेरी नजरे बुरी, मैं नैनो से मारू कटार रे, कम सिन कमरिया नजर लग जाए, मैं दो धारी तलवार, कोई बच ना सका, ओ ऐसा मुझ में नशा, ओ कोई बच ना सका, ऐसा मुझ में नशा, मैं दिल पे करती हूँ मार रे, मेरे ठुमके पे, मेरे ठुमके पे, मेरे ठुमके पे, यूपी बिहार रे, मेरे ठुमके यूपी बिहार रे। अच्छा, ये हम दोनों का